वालेकुम क्लास उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे छुट्टियाँ uh, छुट्टियाँ या क्वारंटीन जो है वो अभी तक उसने आपको पागल नहीं किया होगा मेंटली uh, और आई थिंक फिज़िकली आप लोग जो है वो वर्कआउट uh, या कोई ना कोई ऐसा एक्सरसाइज़ या कोई चीज़ कर रहे होंगे uh, जिससे आपकी जो है वो वेल well बीइंग और हेल्थ जो है वो आपकी uh, कायम दाइम रहे uh, अच्छा आज हम जो है ना वो चैप्टर नंबर एट शुरू करने जा रहे हैं ईएमएफ e का और इसके अंदर हम जैसे सामने आपको नज़र आ रहा है हम मैग्नेटिक फील्ड के जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे और अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये स्टडी कर चुके है हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है जो कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फ़ील्ड को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है जो कि बाइट्स वॉट लॉ और एम्पेयर सर्किट लॉ की मदद से हम ये काम कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशंस हमने थोड़ी सी बिल्कुल ब्रीफली देखी ट्रांसमिशन लाइन के पर्सपेक्टिव के अंदर तो ये मेनली चीज़ें हम लोगों ने देखी उसके अलावा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या देखा है दोनों मैक्सवेल इक्वेशंस हमने देख ली जो कि हमें मैग्नेटिक फ़ील्ड की फिज़िकल uh, सेंस के बारे में बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नंबर वन सर्कुलेट करती है और सर्कुलेट किसके अराउंड करती है एक करंट सोर्स के अराउंड सर्कुलेट करती है और फिर हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटिक आउटवर्ड फ्लक्स जो है किसी भी जगह पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स वो जीरो होता है और ये इस वजह से है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो हैं वो हमेशा सर्कुलेट uh, करती हैं तो इसकी फ़िज़िकल सेंस ये है कि इसकी कोई ना डाइवर्जेंस है ना कन्वर्जेंस है जिस पॉइंट से ये शुरू होती है उसी पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड की यही फ़िज़िकल सेंस है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एक जो पर्मांट मैग्नेट है वो हमेशा डाइपोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो कभी एग्जस्ट uh, नहीं कर सकता Uh, क्योंकि जब तक एक डाइपोल नहीं होगा तो एक uh, उसका ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा अब ये जो टर्मिनेटिंग या ओरिजिनेटिंग पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से ये एरेलीवेंट uh, बात है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है वो सर्कुलेट करती है और अपने आप के ऊपर टर्मिनेट होती है लेकिन जो एक परमानेंट मैग्नेट है या जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसके अंदर एटलीस्ट हम अपनी आसानी के लिए ये ज़रूर मार्क कर लेते हैं कि अगर कोई फिज़िकल बॉडी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है तो किस पॉइंट से हमें उसका इफ़ेक्ट किस डायरेक्शन में यानी रेडियली uh, आउटवर्ड की डायरेक्शन में हमें उसका इफ़ेक्ट किस पॉइंट से नज़र आना शुरू होगा और रेडियली इनवर्ड का इफेक्ट जो है वो किस पॉइंट से हमें नज़र आना शुरू होगा तो जनरली जो रेडियली आउटवर्ड का पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल कह देते हैं और जो रेडियली इनवर्ड का पॉइंट है उसको हम साउथ पोल कह देते हैं इसके अलावा हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ये दो क्वांटिटीज़ को हम पढ़ चुके हैं और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है उससे हमें ये बात पता चलती है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसका आपस में एक गहरा ताल्लुक है और डेल क्रॉस ए इज़ इक्वल टू बी आई थिंक ये रिलेशन है और जिससे हमें ये पता चला था कि हम जो मैगनेटिक uh, फ्लक्स है uh, जो साई है नेट आउटवुट फ्लक्स उसको हम वेक्टर पोटेंशियल के जरिए से भी डिटरमिन कर सकते हैं तो ए डॉट डी एल जो है दैट इज़ इक्वल टू ऑल्सो हमारा जो फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक जो वेक्टर पोटेंशियल है ये तीनों आपस में आई थिंक म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बनते हैं uh, क्योंकि एक दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से ये डिटरमिन होते uh, हमारे पास uh, आते हैं सो so, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स की सेम डायरेक्शन है लेकिन जो वेक्टर पोटेंशियल है वो इनके साथ म्यूचुअली uh, औरथोगनल है तो करंट और फ्लक्स uh, क्योंकि डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे इसका मतलब है कि एच का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जे आएगा आपके पास तो एच और जे आपस में 90 डिग्रीज़ के ऊपर होंगे और इसी तरह जो बी है जब आप वेक्टर पोटेंशियल लेंगे तो डेल क्रॉस बी या डेल क्रॉस म्यू एच जब आप लेंगे तो आपके पास पोटेंशियल आएगा तो ये सारी चीज़ें शायद आपको इस तरह से इतनी आसानी से ना समझ लग रही हों लेकिन मैं आपको अगर यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करूँ तो शायद आपको समझ लग जाए तो व्हाट आई एम सेइंग इज के डेल क्रॉस एच जो है दिस वन इज़ इक्वल टू जे तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये और ये आपस में 90 डिग्रीज़ के ऊपर हैं क्योंकि इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी चीज़ के साथ तो हमारे पास ये आ रहा है ठीक है तो और जो ए है वेक्टर पोटेंशियल उसमें भी यही होता है कि डेल क्रॉस ए जो है दैट इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस बी या म्यू एच इज़ इक्वल टू ए तो जो वेक्टर पोटेंशियल है उसकी हो सकता है डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम uh, हो तो इसी वजह से हम जो पोटेंशियल है उसको हम वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं क्योंकि वो एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है क्योंकि जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो चीज़ हमारे पास आएगी दैट वुड बी अ वेक्टर इट वोंट बी अ स्केलर तो बहरहाल आगे जाके ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और प्लीज़ लेक्चर नोट्स के साथ या इन ऑडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप किताब को ज़रूर पढ़ते रहिए क्योंकि ये ऑडियो लेक्चर में हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती कि हम कोई राइटिंग टूल साथ में इस्तेमाल कर सके uh, कुछ लोगों के पास फैसिलिटी होगी भी प्रॉब्ली लेकिन अभी कम से uh, कम मेरे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो बरअल uh, जो चैप्टर नंबर एट है उसके अंदर हम मेनली uh, uh, तो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक्स हमने पढ़ लिए अब चैप्टर नंबर एट में हम मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मटीरियल्स वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटीरियल्स को पढ़ेंगे और मैग्नेटिक डिवाइस को भी हम uh, देखेंगे चैप्टर uh, एट के बिल्कुल एंड में दे समिंग विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट्स जो कि यहाँ पर uh, नहीं लिखा हुआ मैग्नेटिक सर्किट्स को हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे इलेक्ट्रो मकैनिकल सिस्टम्स के अंदर वो चीज़ कवर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट तो उसको हम आ, अपने पास से नहीं देखेंगे तो दिस इज़ ब्रॉडली वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी तो आगे क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है तो हम आ, जो कॉन्टेंट साइज़ है उसको थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड करना शुरू कर देंगे ताकि आपका कोर्स भी कवर हो जाए आ, लेकिन आई थिंक इस वाले वीक में और नेक्स्ट वाला वीक में ला के आई वुड ट्राई कि आपका जो चैप्टर नंबर एट है एटलीस्ट ये ख़त्म हो जाए आ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है जिनको हम कवर करना चाहेंगे तो जनाब सबसे पहले ये कि देखें एक जो जिस तरह हमारे पास दो चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल, और कूलम्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं वो किसी भी जगह पे मौजूद हैं तो वो उनके दरमियान में एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट करती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या या रिपल्शन है ये डिपेंड करता है कि जो दोनों चार्जेस हैं उनकी पोलैरिटी क्या है बहरहाल बहरहाल उनके दरमियान में एक फ़ोर्स ज़रूर एग्जिस्ट करती है ओके तो so नाव अब क्या है कि इसी तरह से अगर हमारे पास तो मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर हमारे पास थेरी ये है कि इफ़ देर आर टू करंट एलिमेंट्स अगर किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है और इसकी लें कि एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ये है कि अगर आपके पास दो पीसेस हों परमानेंट मैग्नेट के तो आप अगर उन दोनों पीसेस को रखें तो इन सर्टन ओरिएंटेशन uh, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ठीक है और लेकिन इन दी अदर ओरिएंटेशन वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रैक्टिकली ये बात पता है हमने इसको वेरीफाई किया हुआ है हमने इसको करके देखा हुआ है कि अगर किसी जगह पे एक मैग्नेट है तो वो दूसरे मैग्नेट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और या फिर uh, उसको रिपेल करेगा ठीक है डिपेंडिंग uh, अपॉन के किस कन्फिग्रेशन में उसको हम रख रहे हैं अगर नॉर्थ को साउथ के साथ अलाइन करें तो वो अट्रैक्ट करेगा अगर नॉर्थ को नॉर्थ के साथ अलाइन करें तो वो रिपेल करेंगे ठीक है तो uh, मतलब इस सारी बात का ये है कि अगर किसी भी जगह पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स मौजूद हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो फोर्स जो है वो रिपल्शन की भी हो सकती है अट्रैक्शन की भी हो सकती है ठीक है अब हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किस किस वजह से होती है तो अब हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक uh, फील्ड है या uh, ये जनरेट होती है uh, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से ठीक है एक चार्ज पार्टिकल है उसको आपने मूव करना शुरू कर दिया uh, अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और अगर ये किसी एक्सटर्नल किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है ऑलरेडी तो अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी एक मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की हो जाएगी और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है तो एक्चुअली दो मैग्नेटिक फील्ड्स जब मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट करेंगी और जो ये वाला चार्ज पार्टिकल है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर कोई ना कोई फोर्स महसूस करेगा वो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है रिपल्शन भी हो सकती है इसी तरह हमारे पास अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है मौजूद और हमने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट एलिमेंट रख दिया है ठीक है यानी एक वायर हमने पीस ऑफ वायर उसके अंदर रख दिया है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है तो जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो अगेन हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी क्योंकि अब इस करंट एलिमेंट की वजह से भी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इसकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है वो एक रिले है जो रिले सर्किट होता है आपके पास और उसमें आप यही काम करते हैं कि आपके पास एक फिज़िकल स्विच होता है जिसको आप मैग्नेटिक कनेक्शन की वजह से दो पॉइंट्स के दरमियान जो है आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं आपको पता है कि रिले को ऑपरेट कराने के लिए आप उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर कॉयल होती है कॉयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और जो जो स्विच है वो ऑपरेट होता है ठीक है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है या ओपन हो जाता है स्विच या क्लोज हो जाता है ठीक है फिर तीसरी एग्जांपल जिसकी वजह से हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती हैं उसमें हमारे पास एग्जांपल होगी दो डिफरेंट करंट एलिमेंट्स की अब आप ये देखिए कि ऊपर वाले दोनों सैनैरियोज़ में एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी बाय सम मैकेनिज्म ठीक है ये परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी हो सकती है और ये किसी करंट एलिमेंट की वजह से भी हो सकती है लेकिन इस केस में इफ़ वी हैव टू करंट एलिमेंट्स तो अगेन इन दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज इनकी अपनी इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड्स कहीं पे भी एग्जिस्ट करेंगी तो वो दो परमानेंट मैग्नेट्स की तरह या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी ठीक हो गया ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल वेन इट इज़ इन अ मैग्नेटिक फील्ड अब सिर्फ एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और हमारे पास हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है ठीक है तो हमें पता है कि इफ़ देर इज अ चार्ज रिगार्डलेस कि वो स्टेशनरी है या मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक एग्जिस्ट करेगी तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी विच वुड बी एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई ठीक हो गया और अगर उस क्यू अगर वो पॉजिटिव है तो एफ और ई e की सेम डायरेक्शन होगी यानी एफ और ई e दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे अगर क्यू नेगेटिव है तो एफ़ और ई e जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे क्योंकि इसके साथ फिर माइनस साइन आ जाएगा ठीक है और क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन जो है वो इससे डिटरमिन हो रही है ओके अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है किसी जगह के ऊपर ठीक है तो स्टैटिक चार्ज के ऊपर उसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक चार्ज की आप ये बात याद रखिए कि स्टैटिक चार्ज की क्योंकि अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो फोर्स फील हो रही है वो दो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से फील हो रही है ठीक है क्योंकि स्टैटिक चार्ज की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा ठीक है लेकिन जो मैग्नेटिक चार्ज है इस जिसका मतलब है कि इट इज़ अ मूविंग चार्ज और जब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो करंट है एक्चुअली वो एक मैग्नेटिक चार्ज है या फ्लोइंग चार्ज इज़ अ मैग्नेटिक चार्ज तो जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो वो किसी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी ठीक है तो अ मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जर्ट फोर्स ओनली ऑन अ मूविंग चार्ज क्योंकि स्टैटिक चार्ज की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती ठीक है जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से उसकी वैल्यू है q टाइम्स यू इंटू बी वेयर यू इज़ वेलोसिटी, ठीक है तो यू क्रॉस बी तो दिस इज दी डायरेक्शन इन विच इट इज़ मूविंग एंड दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड अब अगर आप ये देखें तो दिस इज सिमिलर टू आईडीएल क्रॉस बी जो आईडीएल क्रॉस बी अभी तक हमने नहीं देखा सॉरी वो अभी आगे जाके आएगा आ, ओके तो बहरल दिस इज फोर्स व्हिच इज़ बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय बाय दिस ठीक है और हमें यहाँ से ये बात पता चल रही है कि अगेन जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स इट इज़ गोइंग टू बी प्रपेंडिकुलर टू बोथ यू एंड बी तो ये तीनों वैक्टर्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअली औरथोगनल होंगे ओके okay, जो एफ ई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फिलासफी है अब मेरा ख़्याल है उसको रीट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है इट कैन परफॉर्म वर्क येस क्योंकि एफ डॉट डी एल की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट uh, करती है ई डॉट डी एल जनरली ज़ीरो होता है लेकिन एफ़ डॉट डी एल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमें पता है कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और वेलोसिटी से नॉर्मल होती है क्योंकि डी एल की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन आपस में 90 डिग्रीज है डी एल की डायरेक्शन वही है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो एफ़ डॉट डी एल इज़ इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है ये उस चार्ज के ऊपर कोई काम नहीं कर सकती वर्क uh, डन की वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगी ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ, हुआ कि यस वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगी लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज को करंट में कन्वर्ट कर देती है उसको मूव करवाने में हेल्प करती है इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एटलीस्ट उसको मूव करवाने में हेल्प नहीं करेगी बल्कि ये उसको चार्ज को डिफॉर्म करने में उसको प्रेस करने में उसकी हेल्प करेगी इसकी वजह से उस चार्ज के ऊपर एक सर्टन प्रेशर आएगा ठीक है इट डज़ नॉट कॉज एन इंक्रीज़ इन दी एनर्जी यस ठीक है क्योंकि वर्क डन नहीं होता मैगनेट मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम इज़ स्मॉल कंपेयर टू एफ ई अच्छा इसकी इसकी क्या वजह है uh, कि उसकी वजह ये है कि वेन अ चार्ज इज़ मूविंग ठीक है तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी कम होगी और जब उसकी वेलोसिटी कम होगी तो रिजल्टिंग फोर्स जो है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी स्मॉल ठीक हो गया और जो एफ ई है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू uh, से ठीक है क्यू टाइम्स ई तो अब से फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर दिस सेम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है uh, हमेशा जो है ना वो हमारे पास uh, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा हमारे पास ज़्यादा होगी और मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन हमारे पास थोड़ी कम होगी तो जो कंबाइंड इफेक्ट है ऑफ दिस फोर्स दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंस फोर्स इक्वेजन और जो टोटल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू दिस जिसमें हमने एफ़ ई विच इज़ क्यू टाइम्स ई और क्यू यू क्रॉस बी इन दोनों को हमने कंबाइन uh, कर दिया है ठीक है एक और वजह इसकी ये होती है कि जनरली आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट पे डिपेंडेंट होती है राइट ठीक है और लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट किसी भी जगह पे जनरेट uh, करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है ठीक है तो हम करंट <coughs> की वजह से क्योंकि लॉसेज ज़्यादा होते हैं करंट की वजह से हीटिंग अप होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स प्रोड्यूस करना हमारे पास मुश्किल होता है तो मै mag, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीटूड भी किसी जगह पे uh, कम होगा एज़ अपोज टू जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है किसी जगह पे जनरेट uh, करना ठीक है क्योंकि लार्ज पोटेंशियल तो आप जिस तरह घरों में आपकी जो अपलायंसेज हैं टू ट्वेंटी वोल्ट और लेकिन जो आपके पास करंट होता है दैट इज़ समवेयर इन मिली एम्पेयर्स या वन एम्पेयर टू एम्पेयर मैक्सिमम जो हमारी हाउस होल्ड जो अपलाइंसेज हैं उसके अंदर जो करंट है वो सिक्स एम्पेयर सेवन एमपेयर तक मैक्सिमम चला जाता है एयर कंडीशनर आपका जो है uh, वो मैक्सिमम करंट ड्रा करता है आपकी स्त्री जो है वो मैक्सिमम करंट ड्रा करती है तो जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी जगह पे अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा कम होगी एज अपोज़ टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जो लॉरेंट फोर्स है उसमें मेजर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा एज अपोज टू मैग्नेटिक फोर्स के तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है जनाब एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए और एम ए इज़ इक्वल टू दिस इसको हम देते हैं देखते हैं कि ये आगे कहाँ पे uh, इस्तेमाल होगा ओके okay, जी और ठीक है तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी जगह पे ई e और बी दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो वी शुड बेयर इन माइंड दैट इन सच फील्ड्स एनर्जी ट्रांसफर कैन ओनली बी बाय मींस ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वजह यह है कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड uh, किसी चार्ज के अंदर एनर्जी इम्पार्ट नहीं कर सकती या उसमें से एनर्जी रिट्रीव नहीं कर सकती लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर सकती है बिकॉज इट इज़ वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन तो इफ़ वी हैव अ स्टेशनरी चार्ज तो इट कैन ओनली एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ वी हैव मूविंग चार्ज तो इट कैन एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और जो कम्बाइंड इफेक्ट है वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है ओके नाउ वी कम टू द सेकेंड थिंग फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स लेकिन अब क्या है फोर्स ऑन करंट एलिमेंट ठीक हो गया अब जो करंट एलिमेंट है uh, वो जनरली रिप्रेजेंट होता है आई के जरिए से ठीक है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास ये है सही हो गया अब अगर आप यू को देखें तो जनरली यू इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ डी एल ओवर डी टी ठीक हो गया राइट right? ऐसे ही है और जो हमारे पास टोटल चार्ज है जो टोटल चार्ज है दैट इज़ रो वी इंटू डी वी ठीक हो गया तो अगर आप ये देखें तो रो वी डी वी और इसको अगर आप यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो रोवी डी वी इज इक्वल टू क्या टोटल डी क्यू हो गया आपके पास ठीक है तो चार्ज मूविंग विद अ सर्टन वेलोसिटी इज़ एक्चुअली क्या हमारे पास करंट ठीक हो गया तो जो ये यू है ये डी एल ओवर डी टी में हो जाएगा तो चार्ज तो डी क्यू ओवर डी टी इज़ एक्चुअली करंट और साथ में ये डी एल जो है वो हमारे साथ आ जाएगा तो अगर हम इसको देखें तो हम जब मेनिपुलेट करते हैं तो एक्चुअली ये चीज़ हमारे पास आई डी एल में कन्वर्ट हो जाती है तो एक्चुअली आई डी एल इज़ इक्वल टू डी क्यू टाइम्स यू ठीक है तो हमने किया क्या कि क्यू को कन्वर्ट किया रो वी इंटू डी वी में ठीक है क्योंकि ये टोटल चार्ज है और यू को हमने कन्वर्ट किया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ डी एल ओवर डी टी ठीक है तो दिस इज डी एल ओवर डी टी यहाँ पर आ गया और रो वी जो है वो हमारे पास रो वी डी वी जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया सही है विच इज़ डी क्यू तो जब आपके पास ये आ गया तो ये इसके इक्वल हो गया सही है तो अब अगर आप सेम फॉर्मूला में इस सब्सटीट्यूशन को रिप्लेस करें तो एक्चुअली डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी ठीक है तो अगेन अगर आप ये देखिए कि जब आप इसको तोड़ेंगे तो इट इज़ आई डी एल बी साइन थीटा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट करेगी अगर जो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये दोनों आपस में 90 डिग्रीज़ के ऊपर हैं ठीक है और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो देर विल बी नो फोर्स ठीक हो गया और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डी एल की डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होगी तो से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ इन दी एक्स एक्सिस ठीक है एंड दिस वन इज़ इन दी वाई एक्सिस तो ईधर द करंट एलिमेंट विल बी पुश्ड टूवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू डिपेंडिंग अपॉन के पॉजिटिव जेड एक्सिस आपने किस तरफ लिया हुआ है ठीक है तो ये उसको लेटरल डायरेक्शन में आ, मतलब उसकी जो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है उसमें मूव करेगा और उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करेगा इस चीज़ की भी बड़ी एप्लीकेशन है अभी आगे जाके आपको थोड़ी नजर आएगी तो जो टोटल फोर्स है वो उसकी क्योंकि सर्कुलर लूप है कि ये बात कर रहे हैं करंट एलिमेंट एक सर्कुलर uh, कंडक्टर में या जो टर्मिनेटिंग कंडक्टर है उसमें फ्लो करता है uh, तो अगर सर्कुलर लूप होगी तो आप उसका सर्कुलर इंटीग्रल ले लें अगर स्ट्रेट लूप है तो आप उसका इंटीग्रल ले लें तो आपको टोटल फोर्स पता चल जाएगी तो अब अगर हमारे पास लाइन करंट की जगह सरफेस करंट है या वॉल्यूमेट्रिक करंट है तो उसके ऊपर भी सेम ही इफेक्ट होगा मतलब एक शीट है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पड़ी हुई है तो डिपेंडिंग अपॉन के करंट फ्लो की uh, क्या ओरिएंटेशन है उस शीट के ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जो कि उसको मूव uh, करवाने की कोशिश करेगी या घुमाने की कोशिश करेगी अब हमारे पास है फोर्सेस बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स तो अगेन इसमें सिनेरियो सेम है सिर्फ फ़र्क ये है कि uh, इस आइडियल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के ऊपर फोर्स uh, एक्ट करवाएगी ठीक है और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि इसके ऊपर फोर्स एक्ट करवाएगी तो अब ये देखिए कि जो डी एफ वन है ठीक है विच इज़ फोर्स ऑन दिस वन उसमें ये वाला करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंड लूप की ठीक है और जो आई डी एफ टू होगा जो फोर्स इसके ऊपर है उसमें ये वाला करंट एलिमेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगी विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाई वर्च्यू ऑफ दिस वन ठीक है तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम मैग्नेटिक uh, फील्ड को डिटर्मिन किए किए बगैर हम या, ये काम करते हैं कि हम बाइट्स वॉट लॉ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं विच इज आईडियल क्रॉस ए आर और uh, ये वाला रिलेशन जब हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो अब आप ये देखिए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिटर्मिन करने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट के एक की वजह से दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स होगी यू ओनली नीड टू नो के करंट के क्या मैग्नीट्यूड्स हैं और उस करंट की डायरेक्शन क्या है ठीक है तो दिस इज वॉट यू गेट जनरली और वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ठीक हो गया चलो तो अब आप ये देखिए कि इसकी जो फॉर्म है ये कूलम्स लॉ की तरह से ही है एफ़ इज़ इक्ल टू क्यू वन क्यू टू ओवर फोर फोर पाई आर स्क्वेयर तो ये उसी फॉर्म में अब हमारे पास आ गया लेकिन वहाँ पे वो सारे के सारे लीनियर uh, मल्टीप्लिकेशन होती है और यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं ठीक है तो सेम सिनेरियो में आप लूप नंबर टू के लिए जो फोर्स होगी वो भी आप डिटर्मिन कर सकते हैं तो यहाँ पे अब आप देखिए कि वो करंट के मैगनीट्यूड भी बाहर आ गए हैं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटीज हैं और जो वैक्टोरियल क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट्स हैं ठीक है एंड द डिस्टेंस विच इज़ दी विच कैन बी अपोजिशन वैक्टर विच कैन बी अ डिस्टेंस वैक्टर डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो डी है ये ओरिजिन के ऊपर है या ओरिजिन के ऑफ पे है तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है उसका मास है और उसका चार्ज है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी वेलोसिटी गिवन है आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है और आपने एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिटरमिन करनी है उसकी वेलोसिटी डिटरमिन करनी है काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करनी है और उसकी पोजीशन तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स से रिलेटेड है और फिर आप इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन <coughs>

अगेन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन दिसज नॉट अ लॉरेंस फोर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स ही यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है रेस्ट वुड बी द सेम थिंग ओके ये अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में है आपके पास रेक्टेंगुलर uh, लूप है जिसमें करंट पास कर रहा है आई टू और आपके पास एक इन्फिनेटली लॉन्ग फिलामेंट्री वायर है जिसके अंदर आई वन पास कर रहा है तो आपने ये शो करवाना है कि जी जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप है उसका ये रिलेशन है तो आपके पास फॉर्मूला गिवन है लेकिन इस जो लूप है इसके चार डायरेक्शंस हैं मतलब डी एल वन डी एल टू डी एल थ्री एंड डी एल फोर और क्योंकि इसकी वजह से है तो इसका सिर्फ काम ये है कि यू ओनली नीड टू डिटर्मिन कि इसकी वजह से एच या बी क्या होगी तो एक इंफिनिटली लॉन्ग की वजह से क्या है आपके पास आई ओवर टू पाई रो दिस इज़ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और अगर आप उसको म्यू एच कर लें तो वो वहाँ से फ्लक्स डेंसिटी आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास आइडियल क्रॉस बी के चार रिलेशनस आ जाएंगे अब आप ये देखिए कि इस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन राइट ऐसे ही है सर्कुलेट कर रही होगी तो जो ये वाला है तो मैगनेटिक फील्ड वुड बी इन फाइव डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ठीक है तो अगर फाइव डायरेक्शन को आप कन्वर्ट uh, करें तो वो एक्स और वाई उसके दो कंपोनेंट्स होंगे सही है और एक्स और वाई uh, इसको अगर आप देखिए तो ये जेड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों के साथ ये नाइन्टी डिग्रीज़ के ऊपर है इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये एक्स डायरेक्शन में है तो खाली वाई कॉम्पोनेंट इसके साथ अगेन दोनों कॉम्पोनेंट्स और इसके साथ अगर आप देखें तो अगेन एक कंपोनेंट उसमें से करेगा तो चारों के ऊपर कोई ना कोई फोर्स होगी तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट आई ओवर टू पाई रो ठीक है तो उन्होंने इसको एक्स uh, वाई में नहीं कन्वर्ट किया अगर आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने चैप्टर नंबर टू में uh, देखी थी तो इन्होंने इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ही रहने दिया है Uh, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन आपसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ही मांगा हुआ है तो चार फोर्सेस होंगी उन चारों को आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो आपके पास एंड में एक रिलेशन आ जाएगा तो जनाब अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे और वो क्या है मैग्नेटिक टॉक एंड मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है हमें ये बात पता है कि अगर किसी भी जगह पे फोर्स होती है तो वहाँ पे टॉक uh, भी प्रोड्यूस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है हमें पता है कि टॉ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस आर क्रॉस एफ ठीक है तो नाउ वी हैव टू सी कि जो फोर्स है उसकी क्या डायरेक्शन है एंड वी हैव टू सी कि क्या ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसी तरह से कोई टॉक प्रोड्यूस कर सकती है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नॉट और जो मैग्नेटिक टॉक है ये इफ इट इज अ लूप तो टॉक की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है ठीक है और क्योंकि जो लूप है उसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी जो मोमेंट आम है वो एग्जिस्ट करता है ठीक है और ये इस वजह से है क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर जो एक लीनियर वायर कंडक्टर है इसके ऊपर जो फोर्स है वो सॉर्ट ऑफ लेटरल डायरेक्शन में है कि अगर एक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और वाई के अंदर करंट है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फोर्स आएगी वो जेड डायरेक्शन में होगी ठीक है तो हम इसको देख सकते हैं थोड़ा इस इस सिनेरियो में इस लूप के सिनेरियो में ठीक है तो अब ये example, आप ये देखिए कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक लूप है ठीक है और इस लूप में आ, मज़ेदारी की बात ये है कि ये जो लूप है इसको हमने यहाँ से इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट से हमने इसको किसी जगह पे बांधा हुआ है ये इसका एक एक्सेस हमने डिफ़ाइन कर दिया है ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और लूप में अगर आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर डी और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगी यहाँ पे भी कोई फ़ोर्स नहीं होगी ठीक है इन ऑर्डर टू फर्दर ईज आउट आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है यानी ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये ओरिजिन के ऊपर है ठीक है तो जो लूप है वो पॉजिटिव जेड और माइनस जेड पे है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन जो यहाँ पे और यहाँ पे जो फोर्स होगी ना इसमें फोर्स होगी नीचे वाली डायरेक्शन में और इसमें होगी फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर आ, आपने अब आप इसको बांधा हुआ है यहाँ पे तो आप ये देखिए कि ये इसको जब नीचे करेगा और ये उसको ऊपर करेगा तो ये लूप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम जाएगी ठीक हो गया जब ये इसको घूमेगी तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक रोटेशन इफेक्ट आएगा और जहाँ पे भी हमारे पास एक रोटेशनल इफेक्ट आता है वहाँ पे हमारे पास टॉक प्रोड्यूस होता है ठीक है अगेन कॉमन सेंस की बात है क्योंकि जो ये मोमेंट आर्म है फर्दर ऑन यानी जो ये इसकी आर्म लेंथ है uh, इस लूप की सेंटर से uh, इस पॉइंट तक जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ आर वो और एफ़ अगेन दोनों 90 डिग्रीज़ के ऊपर हैं तो जो है टॉक हमारे पास प्रोड्यूस करेगा और टॉक की जो डायरेक्शन होगी अगेन या वो इस डायरेक्शन में होगा और या वो इस डायरेक्शन में होगा और अगर हम इसको एक स्क्रू ड्राइवर के परस्पेक्टिव से देखें तो जब हम स्क्रू ड्राइवर को क्लॉक रोटेट करते हैं तो जनरली स्क्रू हमारे पास बंद हो रहा होता है वो ऊपर की तरफ़ जा रहा होता है इन टू द वॉल या इन टू द प्रोफाइल जा रहा होता है और जब हम उसको हमने खोलना होता है स्क्रू को जब हमने उसको बाहर लेके आना होता है तो हम उसको उल्टी तरफ घुमाना शुरू कर देते हैं ठीक है तो जो फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक्चुअली रोटेशनल फोर्स होती है लेकिन स्क्रू जो है वो लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है ठीक है एंड दिस इज जो हमारी रोटेशनल फोर्स है वो उसको एक लीनियर फ़ोर्स प्रोवाइड कर रही होती है उसके अंदर एक टॉक प्रोड्यूस कर रही होती है अब हम जितनी जोर से उसको घुमाते हैं उतना तेज़ी से वो अंदर जाता है जितना हम उसको आहिस्ता से घुमाते उतना वो पीछे से आता आहिस्ता से आता है तो ये जो तेज़ी है उसकी अंदर जाने की या बाहर आने की ये उसके आर पी एम है तो जनरली आपको ये बात पता है कि जो हमारे पास मोटर्स होते हैं या जो जनरेटर्स होते हैं उसके अंदर एक व्हील होता है अगर आप गाड़ी का हुड भी खोलें तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका जो इंजन है उसका जो टॉक है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पे एक रोटेशन लगी हुई है ठीक है तो अब आपकी जो गाड़ी है उसके इंजन के ऊपर ऑडोमीटर पे स्पीडोमीटर पे आपको आर नजर आ रहे होते हैं क्योंकि अगेन वो जो टॉक प्रोडक्शन है वो बाय वर्चू ऑफ गियर्स आपके टायर्स को घुमा रही होती है ठीक है तो जितने बड़ी आपके पास गाड़ी है उतना ज़्यादा वो टॉक प्रोड्यूस कर सकती है और उतनी ज़्यादा आपकी गाड़ी जो है वो तेज़ चल सकती है तो बहरहल मोटर्स में जनरेटर्स में जो टॉक है उसकी काफ़ी वैल्यू होती है और अब आप ये देखिए कि जो टॉक प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ मोटर तो वो बहुत आसान है कि आपके पास मोटर के अंदर एक कॉयल्स होते हैं ठीक है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है uh, उसके स्टेटर्स के अंदर और आपका जो कॉयल होता है वो रोटर के अंदर होता है जब आप रोटर के अंदर एक करंट पास करते हैं मोटर uh, की फॉर्म में जब एक्सटर्नल आप एक करंट उसके अंदर फॉल uh, पास करवाते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है और आपकी मोटर जो है वो चलना शुरू कर देती है तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है तो जी टॉक और मैकेनिकल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द लूप इज़ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म और अगर हमारे पास लूप की लेंथ एल है और उसकी विथ्स जो है वो हमारे पास डब्ल्यू है तो उसकी चार हमारे पास साइड्स हैं और डी एल जो है वो पैरल टू बी है अलॉन्ग साइड्स वन टू एंड थ्री फोर तो यहाँ पे जो वन टू और जो थ्री फोर है उसमें कोई फोर्स नहीं होगी लेकिन जो बाकी दो साइड्स हैं विच इज़ टू थ्री एंड वन फोर उसके अंदर जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करेगी ठीक है अब दे, देखने में आपको ये नज़र आ रहा है कि जो नेट फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेकिन अगर आप इसको देखिए तो ये जो फोर्स है दिस इज़ अ कपलिंग फोर्स क्योंकि हमने यहाँ से इसको बांधा हुआ है तो एक्चुअली ये जो कपलिंग फोर्स है जो कि थ्योरेटिकली आपको लग रहा है कि इसका इफेक्ट ज़ीरो होगा तो फोर्स का इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो होगा लेकिन क्योंकि ये कपलिंग फोर्स है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगी और इस्टॉक को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगी ठीक है तो इस केस में ये आई डी एल बी जो है आई डी एल आई एल बी साइन थीटा में कन्वर्ट होती है लेकिन बिकॉज थीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्रीज ओवर हीयर तो दैट फोर्स इज आई एल बी बिकॉज बी इज़ यूनिफॉर्म तो नो फोर्स इज एग्जेड ऑन द लूप एज अ होल लेकिन क्योंकि एफ नॉट और माइनस एफ नॉट ये एंटी पैरेलल हैं तो ये दे एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लूप दे आर बाई क्रिएटिंग अ कपल तो अगर जो बी है और आइडियल अगर वो एग्जैक्टली exactly सेम ना हो तो आपके पास साइन थीटा या साइन अल्फा आ जाएगा आपके पास ठीक है तो टॉक की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो टॉक आपके पास लूप में प्रोड्यूस हो रहा होगा वो इस साइन थीटा के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा होगा जब जब लूप थोड़ा सा घूम जाएगा तो टॉक की वैल्यू चेंज हो जाएगी और जब लूप एग्जैक्टली exactly 90 डिग्रीज के ऊपर आ जाएगा तो ये अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा तो टॉक जीरो हो जाएगा और लेकिन जब लूप इस डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम टॉक uh, होगा तो डिपेंडिंग अपॉन के फोर्स कपलिंग किस डायरेक्शन में है तो यू कैन रोटेट इट एंटी क्लॉक एंड यू कैन रोटेट इट क्लॉक वाइज जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दी करंट ठीक है ओके okay, तो हमारे पास जो टॉक है दैट कम्स आउट टू बी आई एल बी आई एल बी साइन एल्फ़ा और जो मोमेंट आर्म है वहाँ से हमारे पास जो डब्ल्यू है उसका इफ़ेक्ट आ जाता है ठीक है तो जब हमारे पास ये आता है अब आप ये देखिए कि एल इंटू डब्ल्यू जो है ये हमारे पास एरिया ऑफ द लूप है विच इज़ एस तो अगर आप देखिए तो टॉक इज़ इक्वल टू बी आई एस साइन एल्फ़ा तो हम क्या करते हैं कि आई एस के, के जरिए से हम आई एस को डिफाइन करते हैं एक टर्म एम विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डपोल और ये साइन अल्फ़ा को हम ए एन या यूनिट नॉर्मल में इनकॉर्पोरेट अगर कर लें तो हमारे पास क्या आएगा बी एम साइन अल्फ़ा और अगर हम यूनिट नॉर्मल के ज़रिए से इसको इनकॉर्पोरेट कर लें क्योंकि सरफेस का एक सरफेस नॉर्मल होता है तो हमारे पास जो टॉक होगा दैट वुड बी एम क्रॉस बी ठीक है वेयर डाइपोल मोमेंट इज़ कवरिंग आई एस एंड साइन एल्फा और जो बी है वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ठीक तो अब आप ये देखिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एरिया ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ठीक है ठीक है जनरली एप्लीकेबल इनडिटर्मिनेट टॉक ऑन अ प्लेनर लूप इन ऑर्बिटरी शेप ठीक है हाँ अब देखें इसका फायदा ये हुआ कि अब हमें शेप ऑफ द लूप से हमें कोई ताल्लुक नहीं है वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि उस लूप का एरिया कितना है और उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है प्रीवियसली अगर हम इस फॉर्मूला पे जाते हैं तो हमें उसकी लेंथ और विथ डिटरमिन करने की ज़रूरत थी ठीक है थीके? तो एक रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लूप के लिए के तो ये काम आसान था स्पेशली एक रेक्टेंगुलर लूप के लिए लेकिन अब अगर सर्कुलर लूप हो ट्राइंगर लूप हो कोई भी आर्बिट्रेरी डिफॉर्म्ड शेप हो तो हमें सिर्फ उसका एरिया डिटर्मिन करना है सरफेस एरिया और हमें जो है वो ये डिटरमिन करना है कि सरफेस नॉर्मल हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं या उसका करंट के साथ क्या रिलेशन है ठीक है तो जो सरफेस नॉर्मल है वो बी के साथ जब तक 90 डिग्रीज़ के ऊपर होगा तो इट वुड बी मैक्सिमम टॉक अगेन जो कि इसमें है और जब हम ये मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में और 90 डिग्रीज के ऊपर होगा तो फिर सरफेस नॉर्मल और बी आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो इट वुड बी जीरो टॉक ठीक है द ओनली लिमिटेशन इज दैट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म ठीक है और इसको यूनिफॉर्म करने के लिए आप इसको एक परमानेंट मैग्नेट से भी जनरेट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रो मैगनेट से भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं ठीक है इट शुड बी नोटेड दैट टॉक इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेज ऑफ रोटेशन विच इज़ दैड एक्सेज इन दिस केस ठीक है इट इज डायरेक्टेड सच एज टू रिड्यूस एल्फा ठीक है ये बात भी सही है हम लोग कर चुके हैं ये बात हाँ जी ये बात भी कर चुके हैं ठीक है तो अभी हम यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक मैग्नेटिक डाइपोल वहाँ पे तो हमने एम की टर्म मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के तौर पे इनिशिएट कर दी है और हमने लूप को देखा है तो अब हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो क्या होता है और उसका क्या मतलब है उसका क्या मकसद है हमें क्यों एक मैग्नेटिक डायपोल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है तो अभी तक के लिए हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और आप प्लीज़ रीड थ्रू कीजिएगा किताब से अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा अस्सलाम वालेकुम